रेड सिल डिविजन ने सक्थान मूंगाइरा सलोली चुबागान आर्मी कैंप खाईजाखा हास्ते एक सर्विस मैन रोकनो कैसा पांडा मानजाखा आर्मी ने डायरेक्टर जेनरल एस एस कार्तिक सैनिक बोर्ड ने डायरेक्टर जेपी तिवारी नखबई आर्मी ने गुबुन कुचुक अफिसार रक अब यागलो पांडाओ कक सानी थे आर्मी ने पेंशनर्स रोक ने दाल विदाल बेनीफिट्स रोकनो तुये सवे खाना रेखा पांडाओ मानजाखा नारवाय रक और कनेक्टिविटी जो मुझे कमांडर साहब बताते हैं दूर दराज इलाकों में इससे भी काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। मेरी पोस्टें होती थी मनु में, खुवाई, कैलाश शहर, गंगानगर, अम्बासा, बेद बगान, तो इन इलाकों में मैंने काफ़ी पेट्रोलिंग भी करी है। मेरे सी ओ बीज भी यहाँ डिप्लॉयड थे, तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि मैं वापस त्रिपुरा में आया हूँ और आप सबके साथ मुकाबिल हूँ। डॉक्टर वारवी भी यहाँ पर आए हैं, चीफ ऑपरेशन ऑफिसर ILS, इसका पॉइंट मेरे पास पहले से है और इसको हम देखेंगे कि हम इसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं। ये जो हमारे वेटरन्स हैं, वीर नारी हैं, उनके परिवार हैं, ये आप बाकी समाज के लिए रिटायर हो सकते हैं, हमारे लिए आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा है और हिस्सा बने रहेंगे। और ये जो रैलीज हैं ये बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि इसमें कॉमन पॉइंट्स एक साथ एड्रेस हो जाते हैं, आपके जो भी इंडिविजुअल इश्यूज हैं उसको हम डॉकेट कर लेते हैं और उसके बाद उसका फॉलोअप हो जाता है जिस तरह से। और इसमें स्टेशन हेडक्वार्टर का भी काफ़ी रोल है। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सही जगह पर सही कंप्लेंट आप भेजें। जो स्टेशन कमांडर हमारे हैं वो ओवरऑल इसको देखेंगे, लेकिन जो जिला सैनिक बोर्ड में है और तिवारी साहब कमांडर साहब से उनका रास्ता रहता है, जो भी फिर इश्यूज मेजर हैं हम उनको पकड़ सकते हैं। जो जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू स्टेट चैनल में जाना है वो वहाँ जाएगा, जो हमारे थ्रू आगे जाना है एजी ब्रांच तक, आर्मी हेडक्वार्टर तक, वो हमारे तरीके से जाएगा। ये जो नए एक्स सर्विसमैन बन रहे हैं रिटायर होकर के, अब हमारी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है और मैं इसमें खुद मेरा पिछले एक साल से तजुर्बा है क्योंकि मेरे घर में भी एक वेटरन है, तो उनका जब वो डिमाइज हुआ तो उसके बाद मुझे खुद ये समस्या आई कि उनके स्पर्श में माइग्रेटेड नहीं था। राजा खरा आगुली निशिमी अमित निकॉक थुम चीनी खरांग।